वो है थर्मोमेट्री। थर्मोमेट्री ब्रांच ऑफ फिजिक्स है जो टेम्परेचर की मेजरमेंट में डील करती है। तो टेम्परेचर हम कैसे मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ थर्मोमीटर। तो अलग अलग किस्म के थर्मोमीटर बनाना मतलब कि थर्मोमेट्री के अंदर काम करना। तो ये थर्मोमेट्री है, इसके अंदर बहुत स्केल्स हैं जिसके ऊपर आप टेम्परेचर को मेजर करते हैं। जो मेन चलते हैं वो है सेल्सियस में मेजरमेंट है, फ़ारेनहाइट में मेजरमेंट है, और लास्ट केल्विन के अंदर मेजरमेंट है। तो एक और स्केल है इसमें, र्यूमर स्केल करके इसमें मेंशन है, लेकिन इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आता। मेन तीन स्केल ही काम करते हैं। तो अगर तीन स्केल्स को ध्यान से देखें तो ये आपका थर्मोमीटर है। थर्मोमीटर का लोएस्ट पॉइंट आइस पॉइंट है, हाईएस्ट पॉइंट उसका स्टीम पॉइंट है। तो अगर आप डिग्री सेल्सियस में काम करते हैं तो लोएस्ट पॉइंट आइस पॉइंट यहाँ पर 0 है और स्टीम पॉइंट 100 है। अगर आप केल्विन में काम करते हैं 273 ऐड कर दें, 273 है और स्टीम पॉइंट 373 है। अगर आप फ़ारेनहाइट में काम करते हैं तो ये 32 है और ये 212 फ़ारेनहाइट है। तो ये पता होना चाहिए कि आइस पॉइंट क्या है और स्टीम पॉइंट क्या है। ये काम की चीज़ है, बताऊंगा कैसे काम कर, ये कैसे काम में लेके आनी है। अब लोएस्ट टेम्परेचर की अगर बात करते हैं, बिल्कुल लोएस्ट टेम्परेचर जो सेल्सियस में मेजर किया जा सकता है वो कितना है, -273 डिग्री सेल्सियस। शायद केमिस्ट्री के अंदर ये सुना भी होगा, नहीं सुना तो भी सुना दिया। केल्विन के अंदर कितना होता है, 0 केल्विन। तो ऐसी स्टेटमेंट शायद आपने सुनी हो, सेमीकंडक्टर एक ऐसा मटेरियल है जो कंडक्टर और इंसुलेटर दोनों की तरह काम करता है। 0 केल्विन पे वो इंसुलेटर है और अगर टेम्परेचर 0 केल्विन से हल्का सा बढ़ गया तो वो कंडक्टर है, इसलिए उसका नाम सेमीकंडक्टर है। और लोएस्ट टेम्परेचर 0 केल्विन है, तो 0 केल्विन से तो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिल भी नहीं सकती कोई, तो 0 केल्विन है। अब टेम्परेचर कन्वर्जन, इसके ऊपर आपका क्वेश्चन आता है और मैंने मेंस के अंदर और नीट के अंदर तो इसको बहुत बार आता देखा है। ये फॉर्मूला को इंपॉर्टेंट हाईलाइट कर लो, कुछ नहीं करना बस ये फॉर्मूले को हाईलाइट कर लो, ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं, अगर आपको ये याद है तो सब कुछ क्लियर है। तो एक टेम्परेचर स्केल से दूसरे टेम्परेचर स्केल में कैसे जाना है, इसका ये फॉर्मूला है। टेम्परेचर आप वन स्केल पे टेम्परेचर लें, माइनस लोअर फिक्स पॉइंट। जैसे अगर आप सेल्सियस के स्केल में काम कर रहे हैं तो लोएस्ट फिक्स पॉइंट को आइस पॉइंट बोलते हैं और हाईएस्ट को स्टीम पॉइंट बोलते हैं। तो लोएस्ट फिक्स पॉइंट कितना है, मान लो मैंने 0 ले लिया और नीचे भी 0 ऊपर भी 0 ले लिया, और हाईएस्ट को क्या ले लिया, अपर को क्या ले लिया, 100 ले लिया। देखो ये तो कॉन्स्टेंट ही है, इसको आप चेंज नहीं कर पाएंगे। तो अगर डिग्री सेल्सियस में काम करते हैं तो पता लग रहा है कि 100 माइनस 0 है। अगर मैं फ़ारेनहाइट में काम कर रहा हूँ तो 212 माइनस 32 है। अगर मैं केल्विन में काम कर रहा हूँ तो 373 और 273 है। तो यहाँ पर फिक्स है, ये भी फिक्स है, ये भी फिक्स है और ये भी फिक्स है, ये भी फिक्स है और ये भी फिक्स है। जो ये नंबर है वो ये नंबर होगा, 32 32 0 0 273 273 होगा। अब इसके अंदर क्या करना है, इसके अंदर ये कन्वर्जन का रूल है, ये याद करने की जरूरत नहीं आपको। आप इसके अंदर ये फॉर्मूले को देखें और क्वेश्चन है, अ फॉल्टी थर्मोमीटर हैज इट्स फिक्स पॉइंट मार्क एट 5 एंड 95 डिग्री सेल्सियस। एक फॉल्टी थर्मोमीटर है, खराब थर्मोमीटर है, और उसका जो लोएस्ट टेम्परेचर है वो वैसे 0 होता है पर इसका कितना है, 5 है, और हाईएस्ट कितना है, 95 है। टेम्परेचर अगर इस थर्मोमीटर से मेजर करें तो टेम्परेचर कितना शो कर रहा है, 59 डिग्री सेल्सियस। आपको बताना है कि करेक्ट टेम्परेचर क्या है बॉडी का। अब करेक्ट टेम्परेचर के लिए आपको क्या लेना है, करेक्ट थर्मोमीटर लेना है, बनाओ फॉर्मूला। करेक्ट थर्मोमीटर आपका डिग्री सेल्सियस वाला है, तो डिग्री सेल्सियस में करेक्टनेस क्या है, ये 100 लेना है, ये 0 लेना है और ये 0 लेना है, और ये टेम्परेचर करेक्ट आपको डिग्री सेल्सियस में मेजर करना है। और जो फॉल्टी थर्मोमीटर है उसके डायमेंशन क्या गिवन है, आपको अपर फिक्स पॉइंट 95 गिवन है, लोअर क्या गिवन है, 5 गिवन है, और यहाँ पर भी 5 आएगा, और फॉल्टी टेम्परेचर कितना गिवन है, 59। सॉल्व करो टी आ गया। तो मतलब आपने अपने करेक्ट स्केल के साथ इसको कंपेयर कर लेना है और कंपैरिजन करके आपको टेम्परेचर की करेक्टनेस करेक्ट वैल्यू आ जाएगी। कोई डाउट इसमें, जैसे एट व्हाट टेम्परेचर डू दी रीडिंग्स ऑफ सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल्स को इनसाइड। अब ये कंपैरिजन किन दो स्केल्स का कर रहा है, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। सेल्सियस में फॉर्मूला क्या है, डिनोमिनेटर में 100 माइनस 0 और यहाँ पर डिफरेंस 180। 180 कैसे, अगर आप फ़ारेनहाइट की बात करते हो तो ये देखो इसका टेम्परेचर कितना है, 212, और इसका 32, 212 माइनस 32 इज़ 180। तो सीधा शॉर्टकट लगा दिया इसमें,
180, और ये लोअर फिक्स पॉइंट क्या है फ़ारेनहाइट का 32। मान लो एक ऐसा टेम्परेचर है जो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पे सेम है, उसकी वैल्यू एक्स है, तो यहाँ पर भी एक्स और यहाँ पर भी एक्स पुट कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई करके कितना आएगा -40। तो -40 एक ऐसा टेम्परेचर है, -40 एक ऐसा टेम्परेचर है जब सेल्सियस में और फ़ारेनहाइट में रीडिंग क्या रहेगी हमेशा सेम। पॉइंट समझ में आ रहा है कि अगर टेम्परेचर कन्वर्जन कल को करनी हो तो कैसे करनी है, तो मेन फॉर्मूला जो है बस ये फॉर्मूला सबसे काम की चीज़ है। यहाँ तक क्लियर है?